फ्रेंड मिस्टर मुकेश गांधी। मुकेश गांधी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मुकेश गांधी साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जय सिया राम सर, जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं? हर हर महादेव। तो सर अभी अनाउंसमेंट तो ये आई है, फडणवीस साहब, अजीत दादा पवार साहब और आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की, कि कम से कम 48 में से 45 तो हम जीतेंगे, ऐसा उनका कहना है महाराष्ट्र में। आपको लग रहा है ऐसा होगा? 100% 45 सीट आनी चाहिए, ऊपर 46 होगी। एक दो तीन सीट में भी जो दिखाई देती है बाहर जाएगी उसमें भी थोड़ा घफला होने वाला है, तो एक सीट बढ़ेगी, कम नहीं होगी। 45 में से एक सीट बढ़ेगी, मतलब 46 होंगी, क्या बात है। हाँ, 44 नहीं होगी, क्या बात। और आज तो अमित शाह जी मुंबई आ गए हैं जी, और अमित शाह जी हमारे गुजरात का गौरव तो है ही, पर साथ में हमारे राष्ट्र का भी गौरव है। दूसरे सरदार पटेल है हमारे जी, और वो आ गए हैं और महाराष्ट्र को बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने टैकल किया है। आज उनकी जितनी भी जनसभा आप देखेंगे, कितने कॉन्फिडेंस से, कितने विजन से अमित शाह जी बोल रहे थे। इनके ऊपर ये पवार साहब को, उद्धव ठाकरे को, ये पटोले नाम के पट्टो को, उनको भी देखना चाहिए कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, विजन क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, वो अमित शाह जी से सीखना चाहिए। ये सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते रहते हैं, ये महाविकास आघाड़ी के लोग, वो गलत काम कर रहे हैं। एक स्ट्रांग ओपोजिशन खड़ा करने को उनको आया नहीं, और उसका फायदा आज जनसाधारण के अंदर भी एक हवा फैली हुई है कि महायुति के सारे घटकों को मिलकर के 45 प्लस सीट होगी। जैसे 400 पार है, मैं कहता हूं 45 पार, ऐसा महाराष्ट्र का रिजल्ट आएगा। अब मेरा भारत मेरा परिवार, जैसे हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, मेरा भारत मेरा परिवार, और पूरे बीजेपी के रैंक एंड फाइल ने अपने ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट बोलेगी हम मोदी परिवार, अमित शाह मोदी परिवार, सिंधिया मोदी परिवार, रैंक एंड फाइल में एक उत्तेजना आया, जहां ये बीजेपी का मोदी अमित शाह और पूरे जेपी नड्डा जी ये अपॉर्चुनिटीज किस प्रकार से क्रिएट करते हैं और क्रिएट करके किस प्रकार, हमने पहले भी देखा जब वो बजाज साहब बार बार बोल रहे थे कि चौकीदार चोर है, उसे बोले चाय वाला, उससे भी मोदी साहब छलांग मारकर जीत गए। चौकीदार चोर है, उसमें भी सब चौकीदार, मैं भी चौकीदार का एक जबरदस्त लहर बीजेपी के अंदर। तो ये बीजेपी में कौन सा गुण है कि ऐसे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज को अपॉर्चुनिटीज में बदलते हैं। गांधी साहब आपने पॉलिटिक बहुत करीब से देखा है, सब पॉलिटिशियंस को देखा है, हर पार्टी को देखा है, मगर ये पिछले 10 साल में हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है पॉलिटिक्स में, और बीजेपी हर अपॉर्चुनिटीज किस प्रकार से क्रिएट करके एक टोटल विंड्स ऑफ फेवर उनके तरफ से करते हैं, आप उसको कैसे समझते हैं गांधी साहब? देखिए, आज जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी पंत प्रधान की रेस में आए थे, तब मैं गुजरात में था और एनसीपी का प्रचार कर रहा था, पर उस वक्त खाली सोनिया गांधी ने एक सभा में आकर के उनको मौत का सौदागर कहा और वो कैप्शन उठा लिया बीजेपी ने, और मैंने उस टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में वहां के मीडिया को, वहां के तंत्रियों को यही कहा कि कल से मौत का सौदागर ये कैप्शन मोदी जी को बंपर जीत दे करके देगा। और बीजेपी का पूरा जो नेटवर्किंग है ना, और सोशल मीडिया जो है वो इतना स्ट्रांग है कि वो एक कैप्शन को पकड़ लिए और हमारे मोदी को मौत का सौदागर कहा क्या, बस इस कैप्शन से मोदी जी की लड़त आगे गई और पहली वो लोकसभा के इलेक्शन में वो बंपर जीत से आकर के अपनी सरकार बना सके। आज तब से लेकर के आज तक जितने भी कैप्शन आए हैं, आपने सब बोला इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूं, ये सभी कैप्शन के अंदर पूरा अभी परिवार तक ये मेरा परिवार है। और आज तक लोगों को बहुत तकलीफ होती थी कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उनको कहीं साथ में लाते नहीं, अपने भाइयों को आगे लाते नहीं है, अपने भतीजों को आगे लाते नहीं है और अकेले ही चलते हैं। पर उनको मालूम नहीं है, जैसे गौतम बुद्ध ने अपना घर का त्याग करके पूरे बुद्धम शरणम गच्छामि, ये जो बौद्ध धर्म स्थापित किया ना, ऐसा
नरेंद्र मोदी जी ने अपने गृह का त्याग करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एक कार्यकर्ता होने के कारण, एक सदस्य होने के कारण उन्होंने पूरा त्याग किया, और वो त्याग करने के बाद में उसने भारत देश का गौरव और भारत देश की शक्ति बढ़ाने का और भारत की एकता को, अखंडता को फिर से जागृत करने का, लाने का प्रयत्न जो आरंभ किया है ना, मैं कहता हूं कि जैसे गौतम बुद्ध ने उद्यम शरणम गच्छामी कहा ना, इसलिए मोदी ने भी आज अपना इतना बड़े 140 करोड़ का मोदी परिवार बना दिया, इसका मुझे बहुत गौरव है। आई सैल्यूट मोदी जी। लेकिन यहाँ पर आपको लगता नहीं है मुकेश गांधी साहब? हाँ, आप तो कांग्रेस के भी क्लोज रहे हैं। हाँ जी, आप अन्य जितने भी नेता हैं सभी के आप बड़े कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट रहे हैं क्या? हाँ जी, इनको ये मालूम नहीं कि क्या होने वाला है? मतलब जो आपने बात करी सोनिया जी की, सोनिया जी ने मौत का सौदागर बोला, साथ में ये बोला मोदी जी खून की खेती करते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो पूरा टर्न अराउंड किया और बीजेपी वन बाय अ ह्यूज मेजॉरिटी, तो इनको अकल नहीं आई क्या? उसके बाद फिर चाय वाला, उसके बाद चौकीदार चोरे, और अभी परिवार के ऊपर मतलब अटैक कर दिया लालू जी ने, क्या इनको अकल नहीं है क्या? ये क्या है मतलब मेरी समझ के बारे? अभी देखिए ना, राहुल गांधी जी बड़े रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे करना चाहिए, ममता बनर्जी भी ज्यादा नहीं बोल रही हैं, लेकिन कोई ना कोई इनकी तरफ से निकल ही जाता है जो मोदी जी की मदद कर देता है, ये क्या है सर, जरा बताएं मुझे। देखिए, एक तो एक डेस्टिनी अपना काम कर रही है, जब एक व्यक्ति आगे बढ़ती है ना तो उसके विरोध में लोग बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते हैं, और जैसे कम्युनिज्म में आप मार्क्स का दास कैपिटल पढ़े होंगे तो उसमें विरोध विकासवाद की बात की है, तो विरोध विकासवाद से क्रांति होती है, परिवर्तन होता है, वो पूरा सब उन्होंने एनालिसिस किया है। वैसे ही मोदी जी की कुंडली में क्या है मुझे पता नहीं है, पर जितना उनका विरोध होता है, जितना उनके उनके ऊपर लोग अपशब्द बोलते हैं, लोगों के शब्दों में कहे तो गाली भी बोलते हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी जी पद्म पत्र विभामसा जैसे जल कमलवत होकर के आगे निकलते जाते हैं, क्योंकि वो अपना कर्म करते हैं। तो ये विरोधी लोगों को पता नहीं चलता है कि हम लोग अपने ही आप अपने ही पन्ने हम खोल देते हैं, और पन्ने जो चाल चलनी चाहिए वो चाल चलने के बाद में आप पत्ते को क्लोज कर देते हैं और गेम सामने वाले को दे देते हैं। इतनी मूर्खता ये लोग कर रहे हैं। आप देखिए उद्धव ठाकरे जी का देखिए, कि इतने साल मोदी जी के साथ में बीजेपी के साथ में रहने के बाद में भी आज वो कितने नीचे के लेवल पर आकर के मोदी जी के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर प्रहार करते हैं। अभी उनको पता नहीं है कि उनका परफॉर्मेंस है नहीं, था नहीं, तो अब जिनके ऊपर तुम गाली देते हो तो लोग भी देखेंगे ना कि भाई जो एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, हमको रिजल्ट दे रहा है, हमारी तकलीफें दूर कर रहा है, हमारे महाराष्ट्र का और राष्ट्र का सम्मान बढ़ा रहा है, आप उसके बारे में गलत गलत बातें करोगे। ये विरोध करने के कारण उद्धव ठाकरे जी खुद डाउन होते हैं। वैसे ही सारे विरोधियों, कांग्रेस होगी, समाजवादी पार्टी होगी, सब ये मिस्टेक करते हैं कि मोदी जी को के लिए अपशब्द बोलते हैं और वो खुद अपने डाउनफॉल का न्योता दे देते हैं। यू नो गांधी साहब, मोदी जी का गारंटी, मोदी जी का गारंटी यानी गारंटी पूरी होने वाले गारंटी, मोदी जी का स्लोगन है, खड़गे साहब को उसमें एतराज है, बोले कि वाई मोदी गारंटी, मोदी जी मोदी गारंटी को बोलते हैं, वाई नॉट सरकार का गारंटी, बीजेपी का गारंटी, वाई डजंट मोदी साहब से, बोले ये डिपिक्शन है टोटालिटेरियन, ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल एटीट्यूड जो मोदी साहब के है, बोले कि वी आर मेकिंग डिक्टेटर आफ्टर 2024 वी इलेक्ट हिम, और फिर आलोचना भी करते हैं कि मोदी साहब देखो कृषि के लिए क्या किया, पीएम सम्मान देने से क्या होने वाला, कृषि का निर्यात घटाकर पूरे किसानों को चोट पहुंचाया है, यूपीए के जमाने में कृषि निर्यात एक्सपोर्ट्स वाज नियरली 153% मोर एंड टुडे मोदी सरकार के राज में कृषि एक्सपोर्ट्स हैज कम डाउन बाय 64% ना, ये कैसे आप बोलेंगे? एक एक मोदी जी का जो भी गारंटी लेते हैं करके साहब ने क्रिटिसाइज किया है, एंड ही सेज व्हाई पर्सनली सेज मोदी गारंटी, हाउ डू यू सी दैट गांधी साहब?
अरे भैया खड़गे जी को इतना मालूम होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर देश में से गरीबी हटी नहीं और गरीबी बढ़ी। पर मोदी जी में इतना गट्स है कि पूरे बीजेपी की सारी जिम्मेदारियां, सक्सेस अनसक्सेस को अपने शोल्डर पर लेकर के एक व्यक्ति जब कहे कि ये मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी है, तो आप सोचो कि ये कितने बड़े लेवल का जेस्चर का नेता है कि इतनी ताकत है उसमें गारंटी देने की। अरे आप तो ऑपोजिशन वाले कोई भी गारंटी दे नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि किसानों की माने हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ये जो फिगर जो खड़गे जी बोलते हैं वो टोटली आप देखिए गूगल में चेक करके देखिए, वो गलत फिगर दे रहे हैं। हमारी निर्यात बढ़ी है और कई जगह पे निर्यात कम इसलिए की जाती है कि लोकल जो एग्रीकल्चर के जो क्रॉप है उसके भाव लोकल लोगों को ज्यादा महंगा नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उनको स्टॉप करते। जैसे कांदा, तो कांदे का एक्सपोर्ट कभी कभी अनियन का वो कम कर देते हैं क्योंकि जब उनका क्रॉप नहीं होता है तो उसकी निर्यात करेंगे तो यहाँ कांदे का अनियन का भाव एकदम बढ़ जाएगा, तो उसके लिए वो नाबार्ड से उससे उनको कंट्रोल में करना पड़ता है, एक्सपोर्ट बंद करना पड़ता है। और उस टाइम के जो फिगर है वो फिगर को ट्विस्ट करके खड़गे जी हमेशा अपने भाषण में एक ही एक बात रिपीट करते हैं। पर आप गूगल से चेक कीजिए, हमारा एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ एग्रीकल्चर का, वरना बढ़ा है और मल्टीपल लेवल पे बढ़ा है। पहले खाली क्रॉप जाते थे, आज फ्लावर जाता है, फ्रूट जाता है, हमारे जो तेजाना जिसमें से बनते हैं मसाले उनके उनके रॉ मटेरियल जा रहे हैं। और कितनी प्रकार का क्रॉप आज भारत के किसान बना रहे हैं अलग अलग टाइप का, वो सब एक्सपोर्ट में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो खड़गे जी को कहते हैं कि गारंटी देने की ताकत मोदी जी में है, आपके इंडी के ग्रुप में या आपके राहुल गांधी में सोनिया जी में इतनी ताकत है कि वो गारंटी दे सकते हैं। अरे मोदी जी को सैल्यूट करो, और मोदी जी गारंटी देते हैं वो गारंटी देकर के पूरी करते हैं। मुकेश गांधी साहब, अभी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, दे पुट इंडियाज ग्रोथ इन दिस ईयर 2024 to 2025 at 7.6%. They have said 7.6%. Their earlier prediction was 6.8 or 6.9%. They have said 7.6% based on the last quarter's result in 2023. October, November, December में जो 8.4% से growth rate हुआ उसको लेकर के आपको लगता है कि ये sustainable growth rate रहेगा सर? मतलब इतना जो अभी growth rate चल रहा है इतना रहेगा मुकेश गांधी साहब? Because you have a very good understanding of business. नहीं नहीं नहीं, ये 7.6 का और ये जो 8 का जो जो पूरा कंपैरिजन है ना वो हमेशा स्टॉक मार्केट की तरह वेरियस होता है। जैसे एक जमाने में अदानी का पूरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया, फिर वापिस वो पोर्टफोलियो बढ़ गया, फिर मुकेश अंबानी का कम हो गया बढ़ गया। इसी तरह से ये जो नेशनल इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स जो भी आते हैं ना परसेंटेज में, उनमें फ्लक्चुएशन रहता है। तो हमारी हमारे तो इंडियन हमारी गोल्ड की रिजर्व कितनी है उसके ऊपर हमारी पूरी इकोनॉमी का डिपेंडेंट है कि हम सस्टेनेबल है कि नहीं। और आज इंडिया हैज मेंटेन द मैक्सिमम लेवल ऑफ द गोल्ड इन दैट ट्रेजरी, सो वो आपको देखना चाहिए, वो हमको देखना चाहिए सर जी। नो एज फार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व द कंसर्न दे क्वाइट ओके, आई थिंक वी आर एट अबाउट 650 बिलियन, और इज 630 समथिंग अराउंड दैट मच। And gold reserves are at their peak at the moment, which is quite all right. But in actual terms, Mukesh Gandhi sahab, in actual terms, we should be competing with China. अभी हमारी जो economy है, we have just touched 4 trillion, $4 trillion को अभी हम लोगों ने touch किया है. Sir, China's economy is around $13 to $15 trillion. तो वहाँ तक हम लोग कब पहुँचेंगे सर? ये बताइए. बस मोदी जी को 400 पार हो जाने दो, मुझे लगता है 26 तक हम पहुंच जाएंगे। क्या बात है, 100% 26 तक पहुंच जाएंगे। क्या बात है सर, देखो एक बात क्या है कि चाइना में डे बाय डे क्राइसिस इंटरनल चालू हो रही है जी, और वहां का कम्युनिज्म मार्क्सिज्म जो है वो टोटली फेल हो रहा है, और मोदी जी के प्रभाव से और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी और सुख शांति
पहले से ज्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए इकोनॉमिकल ग्रोथ भी हमारा बहुत अच्छा और फास्ट होने वाला है। और 26 तक में तो लोगों को यकीन आ जाएगा। आज देखिए ऐसा है कि आज फॉरेन में गए हुए लोगों को भी अभी लगता है कि हमको इंडिया में वापस घर लेना चाहिए। आप लास्ट देखा होगा बंबई जैसे शहर में भी घरों की बिक्री आज तक के रिकॉर्ड हुई है। इसका प्रभाव क्या है? उसका प्रभाव यही है कि यूपी सरकार जो अभी चल रही है फडणवीस शिंदे जी और अजीत पवार की, उसके ऊपर विश्वास बढ़ा है। और मोदी जी के इकोनॉमिकल ग्रोथ के ऊपर भी आज इंटरनेशनल जो विश्वास बढ़ा है ना, उसके कारण बंबई में इतनी मैक्सिमम कैपेसिटी में आज ये बढ़ गया। अब तेलंगाना में भी देखो, तेलंगाना में भी इतने प्रॉपर्टी राइज रेट राइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अभी खाली उतनी हवा आ रही है कि वहां बीजेपी विल स्कोर अगेन इन लोकसभा, तो उससे वहां की मार्केट भी, आज सुबह ही मेरी हैदराबाद में बात हुई तो वहां की मार्केट भी तेज हो रही है। बेंगलोर में, कर्नाटक में वो पोजीशन। सो यू एक्सपेक्ट द बीजेपी विल डू वेल इन तेलंगाना? 101%। आप देखिए तेलंगाना में अभी पूरा माहौल चेंज हो गया है। मैं तो ग्राउंड रियलिटी के साथ काम करने वाले कई कार्यकर्ताओं के कॉन्टेक्ट में हूं, इवन ओवेसी के कार्यकर्ताओं के कॉन्टेक्ट में भी हूं, और वहां ओवेसी के टेंट में भी अभी एक घबराहट फैल गई है और उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो गया है। और उसमें से कहीं जो जिहादी काम करने वाले जो लोग थे ना, वो भी उनके पास उनका साथ छोड़ करके निकल गए हैं। माने मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि ओवेसी जिहादी है, ओवेसी एक अच्छे मुस्लिम लीडर है और ऐसे मुस्लिम लीडर को होना भी चाहिए, पर जो जिहादी तत्व आजू बाजू में घूमते थे वो भी अभी भाग गए और वहां बीजेपी का संगठन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। एंड व्हाट अबाउट कर्नाटका सर? लास्ट टाइम 2019 में कर्नाटका में बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी, इस बार क्या होगा? इस टाइम कर्नाटक में अभी तक पूरा रिपोर्ट अच्छा नहीं आ रहा है बीजेपी के लिए। बीजेपी को वहां बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जी, क्योंकि देखिए एक छोटे छोटे इश्यू में भी वहां में बीजेपी का नेतृत्व थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता और ऑब्जर्वर हूं, पर वहां बीजेपी का थोड़ा परफॉर्मेंस कहे या जो अप्रोच होना चाहिए जनाधार बढ़ाने के जैसे, लिए वो जैसे तमिलनाडु में, जैसे तमिलनाडु में अन्नामलाई साहब काम कर रहे हैं बीजेपी के, वो बहुत बहुत अभी जी जी बोलिए। हाँ, तो वो आपके साथ सहमत हूं, तमिलनाडु में इस टाइम में जरूर बीजेपी की सीटें थोड़ी अच्छी आएगी। अभी तो एक या दो सीट नहीं, तीन या चार भी आ सकती हैं, कहने का मतलब ये हुआ? आ, नहीं नहीं, मेरे हिसाब से 7 से 8 सीट मिनिमम आएगी। 7 to 8 सीट्स फ्रॉम तमिल? हाँ हाँ हाँ, आप लिख के रखिए। और यू फाइंड दैट यू नो कर्नाटका में आपको लग रहा है कि लीडरशिप ऑफ कांग्रेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नो सिद्धरामैया एंड डीके शिवकुमार हैज बीन फैसिनेटेड, बिकॉज जहां भी कांग्रेस पूरे देश में इतना तकलीफ है तो कांग्रेस डीके शिवकुमार को वहां पर भेज देते, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, यहां हो, एनी ट्रबल स्पॉट, यस एनी ट्रबल, ट्रबल शूटर इज डीके शिवकुमार। तो देयर दे हैव मैनेज्ड टू कीप फैंटास्टिक लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस इज डिस्प्लेड, आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं, अभी मुझे ऐसा कांग्रेस की लीडरशिप आंध्र में बहुत स्ट्रांग है और अलग अलग इश्यू के ऊपर कर्नाटक तो वो वहां अपना होल्ड जमा के काम करते हैं। मुझे लगता है कि अमित शाह जी आखिर में कर्नाटक में ऐसे कुछ अपने बंदों को भेजेंगे, स्टॉलवर्ट को भेजेंगे और अमित शाह भी वहां जाकर के बैठेंगे, तो मुझे लगता है कर्नाटक का जो स्कोर है वो रिवर्स हो जाएगा, कांग्रेस की फेवर में नहीं आएगा और बीजेपी को फायदा होगा। वो एंड में स्ट्रेटेजी क्या बनती है उसके ऊपर आधार है, पर आज की परिस्थिति में कांग्रेस बीजेपी से वहां स्ट्रांग दिखाई दे रही है। राहुल गांधी गारंटी वर्सेस मोदी गारंटी, ये बार बार राहुल गांधी जी अभी बोलने लगे कि मोदी गारंटी है तो राहुल गांधी जी गारंटी है। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, राष्ट्रवाद हो, डेवलपमेंट हो, अपीसमेंट ऑफ नन हो, तो ये आप कैसे देखते हो? बिकॉज आर्टिकल 370, मोदी जी बोलते 400 प्लस आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, मेरा हक बनता है कि आप मुझे 370 वोट दो सिर्फ आर्टिकल 370, एंड दैट्स फैसिनेटिंग बिकॉज किसी ने नहीं किया, आजाद हिंदुस्तान में किसी ने इतना बड़ा कदम नहीं किया। तो मोदी जी कहते हैं आई डिमांड, दैट्स माई राइट 370. How do you see that kind of and compare Rahul Gandhi guarantee and Modi guarantee? Gandhi sir, देखिए Rahul Gandhi की guarantee हो नहीं सकती है,
राहुल के जोक्स वर्सेस मोदी जी की गारंटी ये हो सकता है, क्योंकि आज तक राहुल गांधी ने बड़े बड़े जोक्स मारे हैं, बड़ी बड़ी बातें की है, और जो न बोलने की बात भी की हुई है। आज देखो राम के बारे में भी उनका जो कमेंट आ गया, आज कल से टीवी पे पूरा वो चल रहा है। आज राहुल गांधी ने कौन सी गारंटी दी? अगर उसको गारंटी देनी है तो एक ही गारंटी दे कि मैं अमेठी में से जीत के आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। वो देने की उसमें ताकत है? तो राहुल की गारंटी को आप कोई वजूद दे सकते हैं? बाकी राहुल के साथ में गारंटी शब्द कहीं लगता नहीं है। वो लंदन में जाके किसको गारंटी देते होंगे, पर इंडिया में उनकी गारंटी कोई चलती नहीं। लेकिन जो आपने कर्नाटका की बात करी सर, आपने कहा कि अमित शाह जी वहां पर बैठ करके कुछ ना कुछ ऐसा खेल करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आगे निकल जाए, जैसा कि 2019 में निकली थी। जी। तो उसमें क्या ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है किसी भी तरीके से डीके शिव कुमार साहब को बीजेपी में ले आया जाए? आफ्टरऑल उनको क्लीन चिट तो मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट कर दिया उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस। तो अभी देखिए पहले भी ये अफवाहें उड़ रही थी, पूरा सवाल सुन रहे सर, पहले भी ये अफवाहें चल रही थी कि डीके शिव कुमार साहब से बड़ी बातचीत हो रही है, और उनको ये कहा जा रहा था कि साहब अगर आप बीजेपी में आते हैं तो आप मुख्यमंत्री बनते हैं, यहाँ तो सारी उम्र आप डेप्टी चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे, क्योंकि सीतारमैया जी कहीं जाने वाले नहीं है। आपको क्या लगता है मुकेश गांधी साहब? देखिए राजीव जी, आज अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की वॉर रूम चल रही है अपने अपने जगह पे। जी। आज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शिव कुमार जी जो है वहां के देवगौड़ा के सन, उनकी पार्टी की वॉर रूम आज लास्ट 6 महीने से 5 सीटों के लिए इतना जबरदस्त काम कर रही है, और बीजेपी का नेटवर्किंग भी बढ़ाने का काम कर रही है, ये मेरा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। और वो जो काम संभालने वाले लोग कहते हैं कि बिकॉज ऑफ शिव कुमार स्ट्रेटेजी वर्किंग टू विनिंग हिज ओन 4 to 5 seats एंड दैट विल हेल्प टू द बीजेपी ऑल्सो, एंड बीजेपी देन विल मेक द स्कोर इन कर्नाटक एंड इन नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन शिव कुमार कैन बिकम मे बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, ऐसा उनका प्रेडिक्शन है फ्रॉम द बीजेपी। फ्रॉम बीजेपी में उनका मर्जिंग हो जाएगा ना, क्या बात है साहब, वो मर्ज कर देंगे, आप देखना पूरा। ये मेरा एकदम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है शिव कुमार जी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अगर जीतते नहीं हो तो जीतने वाले कैंडिडेट को किसी भी पार्टी से अपनी पार्टी में ले लो और जीतो। उसमें कोई वादा नहीं है, उसमें क्या वादा है? देखिए ऐसा है, आप एक्सपांशन कर रहे हो, आप बहुत बड़ा एक मॉल बना रहे हो, तो मॉल में सभी प्रकार के जो बीजेपी मॉल है, बीजेपी इज लाइक अ सुपर मार्केट, सुपर हर एक की दुकान है वहां पे, जबरदस्त। दैट इज आर कंट्रोल अंडर द नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ द ऑनर ऑफ द मॉल चलते चलते सर, एक छोटा सवाल आपसे, आर यू गोइंग टू विश आवर वेरी डियर फ्रेंड मिस्टर कृपाशंकर सिंह द बेस्ट ऑफ लक? जौनपुर में, जौनपुर भेज दिया उनको मुंबई से, कृपाशंकर सिंह जी को जौनपुर भेज दिया, आपके भी बड़े अच्छे मित्र हैं, आप उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए शुभकामना तो इसलिए उनको दूंगा क्योंकि वो बीजेपी में जुड़ गए हैं, और अपने कर्तृत्व से और अपनी मेहनत से वो जो लास्ट कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, और लोकसभा में उनको जब अनुसंधान दिया है जी, और अभी वो वहां अपना तीर चलाएंगे जीतने के लिए और जीत के आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और कृपा शंकर इज नाउ वेरी कैपेबल, और जो पुरानी हिस्ट्री तो सबकी आगे पीछे रहती है, पर हम वर्तमान देखें तो कृपा शंकर सी हैज गॉट फुल चांस टू विन द यूपी सीट। क्या बात है साहब, मुकेश गांधी साहब, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज, थैंक यू सर, एंड यू आर लुकिंग वेरी डैपर इन दैट पिंक थिंग दैट यू आर वेयरिंग, यस यस यस, वेरी वेरी नाइस सर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू सर, जय जय राम। आपके 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 मुंह में देखो राजीव जी तारीफ का तो भंडार पड़ा है जी, और आपकी मुस्कान में भी एक जादू है, हाँ, तो यूं तो सब कुछ है मेरे पास, मगर कुछ कमी है तो वो कमी तुम हो मेरे यार। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, शायर, शायरी, माशाल्लाह, माशाल्लाह।
नमस्कार, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े, सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू. एंड नाउ वी हैव प्रदीप जी, देयर ऑफ कोर्स इज द वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक मिस्टर मुकेश गांधी, ऑलवेज. I'm not sure whether he's speaking for the NCP or he's speaking for the BJP. He always speaks for the BJP. Yes. Ajit Dada Pawar sahab ke saath hain. He's got his friends everywhere, and that what matters. He's got Praful Patel here. He got Ajit Pawar here. Then most importantly, Praful Patel. Yes. Most importantly, so Praful Patel. Various other leaders who he talks good about. Right, and at the moment with us for the first time, I think on this show.